हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज आप सबको दुनिया के कुछ ऐसे ऐसे आइसलैंड दिखाऊंगा जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। नंबर वन, स्कोत्रा आइलैंड। पता है दोस्तों, ये यमन में पड़ता। यहाँ पे जो भी जाता है उसको मतलब अलग ही, जैसे अलग ग्रह पे आ गए, चांद पे या कहीं, उसको अलग इस तरह का एहसास होता। इसको कुछ लोग एलियन आइसलैंड बोलते हैं। पता है दोस्तों, यहाँ एक पेड़ रहता जिसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है। ये पता है दोस्तों, ऐसे छतरी सा दिखता, ऊपर को बिल्कुल ऐसे चौड़ा रहेगा, हरा हरा सा। ये और कहीं दुनिया में इस तरह का पेड़ भी नहीं है। और जब इसको ऐसे इस पे चोट करोगे कुल्हाड़ी से या किसी भी चीज़ से, तो इसमें ब्लड जैसा वो निकलेगा, खून जैसा। लोग बहुत बार डर जाते इसको देख के। और पता है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा वो पाया जाता, एलिफेंट पाई ट्री, जो मतलब हाथी के जैसा होता। मतलब नीचे को ऐसा चौड़ा रहेगा, ऊपर को अजीब तरह का। जहाँ पे दुनिया के अजीब अजीब किस्म की मतलब चिड़िया, ये सांप, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। मतलब यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग मतलब मछली पालन करते और खजूर दूसरे कंट्री में बेचते, ऐसे अपने व्यवसाय चलाते ये लोग। नंबर दो, सेबल आइसलैंड। पता है दोस्तों, ये कनाडा में पड़ता है, सेबल आइसलैंड। पता है दोस्तों, ये लगभग 42 किलोमीटर लंबा है लंबाई में, और 4-5 फीट तक चौड़ाई में होगा। और यहाँ पे पता है दोस्तों, इसको सेबल आइसलैंड को मौत का वो बोलते हैं। यहाँ पे दुनिया की बहुत सी जहाज़ें आती, तो मतलब कोहरा होता था ना उस समय, जहाज आए फुल स्पीड में रहें, इस आइसलैंड को ना देखें, और इसमें ऐसे टक्कर हो जाती थी। बाकी लोग, कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से उनकी मतलब वो हो जाती थी डेथ, और बाकी कुछ लोग बचते थे। जो बचे हैं मतलब जंगल में उनको रहने का वो नहीं था ना इतना, तो उस वजह से वो मर जाते थे। और पता है दोस्तों, यहाँ पे इस सेबल आइसलैंड पे लगभग 500 के करीब घोड़े होंगे। अब जब मतलब दुनिया वाले देखते तो शॉक्ड हो जाते, यार मतलब चारों तरफ पानी है इस आइसलैंड के, यहाँ पे इतने सारे घोड़े आए कैसे। तो कुछ रिसर्चर और वैज्ञानिक जो थे वो बताते हैं कि लगभग जब यहाँ पे पानी नहीं था, समुद्र का पानी ऐसे घटा होगा, तो यहाँ पे 2-3 घोड़े या 5 आए होंगे, उसी के बच्चे ऐसे देते देते इनकी तादाद बढ़ गई, और आज ये यहाँ पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ के जंगली घोड़े। और नंबर 3, पाम जुबैरा आइसलैंड। पता है दोस्तों, ये पाम जुबैरा आइसलैंड दुबई में है। दुबई के शेख थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरे को समुंदर में ऐसी लग्जरियस लाइफ बनानी है। और उन्होंने मतलब वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनसे बातें की कि ऐसा क्या पॉसिबल है, हम समुंदर में एक ऐसी लाइफ वो बना सकते, लग्जरियस दुनिया। उन्होंने कहा ठीक है, बनाएंगे अपन। तो उन्होंने मतलब एक वो दिखाया डिज़ाइन, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब दुबई के शेख ने एक खुद का अपना डिज़ाइन बनाया, कि मेरे को खजूर के जैसा, जैसे खजूर का पेड़ होता उस तरह का पाम जुमैरा, ऐसे डिज़ाइन उन्होंने बताया, तो वो पसंद किया शेख ने। दुनिया भर के रिसर्चर और इंजीनियर्स को बुलाया गया कि यहाँ के मतलब ऐसा बनाए कि पानी की मार झेल सके, क्योंकि पानी में लहरें आती हैं, ये वो। तो ऐसी जगह को चुना गया जहाँ पे लहरें थोड़ा धीमी है, लहरें की ताकत बहुत कम है, और वहाँ की जो ज़मीन थी उसको किरान के माध्यम से उसके अंदर की सारी रेत साफ की गई, जिससे मतलब ये सालों साल चल सके, क्योंकि काफ़ी पैसे लगने वाले थे ना इसमें, करोड़ों अरबों साफ की गई। फिर दुनिया भर के पहाड़ों से पत्थर मंगवाए गए, उसको उसमें डाला गया, जिससे मतलब ये काफ़ी लंबा तक चल सके। और दुबई के शेख ने 5 साल का टाइम दिया, 5 साल में तैयार हो। आज पता है दोस्तों, पाम जुमैरा आइसलैंड तैयार हो गया है। पता है यहाँ पे एक रूम लगभग लाखों करोड़ों का मिलता है, जो अमीर लोग होते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं। नंबर 4, स्नैक आइलैंड। पता है दोस्तों, स्नैक आइलैंड ये ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ पे कुछ समय पहले लोग रहते थे, और वो मतलब ऐसे केला ऐसे काट रहा था, तो सांप गिरा उसको काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पे पता है दोस्तों, सांप बहुत जहरीले पाए जाते हैं। और यहाँ पे फिर जब रिसर्चर्स आए, उन्होंने देखा यार यहाँ के सांपों के अंबार लग गए हैं, और रिसर्चर को भी बहुत काटा। वो इतने जहरीले सांप होते हैं, पता है दोस्तों, जिसको भी काटते हैं उसकी हत्या हो जाती है, मतलब मर जाता है। जो वहाँ ब्राज़ील की सरकार थी, उन्होंने मतलब इस स्नैक आइलैंड में जाने की रोक लगा दी। और बाकी दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।